ओके तो स्किल बैक का जो मॉडल है वो ये हम लास्ट मॉडल करें इससे पहले इसके बीच में एक प्रोसेस मॉडल भी है जो हमारे कोर्स में नहीं है सो वी आर डूइंग दैट ठीक है तो प्रोसेस मॉडल में ये होता है यू नो अ प्रोसेस ओरिएंटेड मॉडल जिसमें आप जो है वो वो हेव्स का एक मॉडल है काफी कॉम्प्रीहेंसिव मॉडल है बट वी आर कोर्स लेकिन आप चाहेंगे तो फिर मैं बाद में उसको एक थोड़ा सा शेयर कर दूंगी आपसे प्रोसेस मॉडल क्या है बेसिकली लेकिन अभी हम इसे इन डिटेल नहीं कर रहे ठीक है लेकिन इस बेसिकली वो एक ऐसा मॉडल है जिसमें चाइल्ड बिहेवियर की थियोरीज को कंसिडर किया गया है टीचिंग एंड लर्निंग यू नो उसकी आ, उसको ज्यादा नॉलेज के स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है कंटेंट को बहुत ही अच्छे से ड्रॉ करने की बात की गई है और बहुत ही ज्यादा प्रोसेसेस के ऊपर कि ये प्रोसेस होना चाहिए हर प्रोसेस को जो है ना बहुत डिफाइन करके उस पर बात की गई है लेकिन वी आर डूइंग दैट बिकॉज़ नॉट वेरी ठीक है क्योंकि वो हमारे कोर्स से भी नहीं है और अब जो है वो ज्यादातर तो जो है वो अब तो खैर काफी uh, जो दुनिया में जितने भी करिकुलम मॉडल्स जिसपे बन रहे करिकुलम्स वो काफी डिफरेंट मॉडल्स हैं uh, दिस इज अ क्वाइट डायनेमिक ड्रोच और वो बहुत ही मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ यू नो मॉडल्स पे बनाए गए हैं सो इट्स नॉट लाइक वन मॉडल पीपल दीज अडे टू डेवेलप इट कूड बी अ नंबर ऑफ यू नो कमिंग टूगेदर बट ये जो सिल्पैक का मॉडल है इसको डायनेमिक मॉडल ही कहा जाता है और ये काफी डायमिक है वर्सेटाइल है, अपने यू uh, नो you know, अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी तो ये हम देखेंगे ने ये मॉडल 1976 में दिया था और इस मॉडल में वो कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट सिल्क बैक का जो मॉडल है सिचुएशनल मॉडल है और ये दूसरे मॉडल्स का अल्टरनेटिव तो नहीं है लेकिन इट इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल ठीक है जी मेकअप क्लास आज नहीं है ये किसने कहा है कि आज है मेकअप मेकअप क्लास वो कह रही है कि आप आज मेकअप क्लास रख लें रात में आफ्टर और फिजिकल क्लास आज पॉसिबल नहीं है सॉरी नो 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 नॉट पॉसिबल प्लीज

Uh, हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव मॉडल है या रैशनल मॉडल है हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही उनको आप डिसार्ड कर दें बट दिस इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन इट्स अप्रोच विच कैन इन कम पास इधर द प्रोसेस मॉडल लाइक अब प्रोसेस मॉडल हमने किया नहीं है तो उस पर ज्यादा मैं बात नहीं करूंगी और दी ऑब्जेक्टिव मॉडल डिपेंडिंग ऑन विच आस्पेक्ट ऑफ द करिकुलम आर बीन डिजाइन तो आप जो भी एस्पेक्ट डिजाइन कर रहे हो उसके हिसाब से आप इस मॉडल को यूज करेंगे आप देखेंगे कैसे क्यों इट इज फ्लेक्सेबल अडेप्टेबल एंड ओपन टू इंटरप्रिटेशन इन द लाइट ऑफ चेंजिंग सर्कमस्टांसेस तो ये कहते हैं कि इट्स मोर ऑन सर्कमस्टांसिस बेस्ड सिचुएशनल मॉडल इसीलिए कहा गया है डायनेमिक मॉडल है और जैसी सिचुएशन है वैसे आप इसको यूज कर सकते हैं और जिस करिकुलम का जो भी एलिमेंट आपको डिजाइन करना है उसके हिसाब से आप उसको कर सकते हैं लाइक like इसमें जरूरी नहीं कि आप ऑब्जेक्टिव से शुरू करें यू कैन ओनली डिजाइन दी करिकुलम कंटेंट विद हेल्प ऑफ दिस सो दिस इज बेसिकली लाइक अगर आप अपने क्लासरूम के लिए भी uh, कोई जैसे आप कोई स्ट्रैटेजी आप चाह रहे कि मैं कौन सा मेथड यूज करूं या मैं कौन सा कंटेंट यूज करूं तो आप इन मॉडल्स का यूज कर सकते हैं टू सी हाउ थिंग्स आर गोइंग अबाउट ठीक है सो uh, दैट so आपको स्लाइड्स नजर आए ठीक है सो सिल्वर मॉडल स्टार्ट्स विद सिचुएशन एनालिसिस ये किससे शुरू होता है सिचुएशन एनालिसिस इसका मेन कंसर्न ये है कि सिचुएशंस ओके okay. Uh, इसका मेन कंसर्न ये होता है टू कंसिडर दिचुएशन और द कॉन्टेक्ट इन द करिकुलम करिकुलम अप्लाई करना है वहां का कॉन्टेक्ट क्या है ये सबसे इंपॉर्टेंट है द सिलबैक मॉडल इज अ डायनेमिक मॉडल द डिफरेंट एलिमेंट्स आर सीन एज फ्लेक्सीबल इंटरक्टिव एंड मॉडिफाइबल आप हर एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं इंटर वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हुए आपको नजर आएंगे

ठीक है नंबर वन क्या अब इट कैन वी कैन बिगिन फ्रॉम एनी ठीक है अब इसको थोड़ा सा और इन्होंने यहाँ पे जो है ना अडेप्टेड किया हुआ आपको शो किया है कि सिचुएशन एनालिसिस के बाद स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट क्या आप क्या आपके एम्स है उसके बाद प्रोग्राम बिल्डिंग कि कंटेंट क्या यूज करेंगे फिर प्रोग्राम बिल्डिंग में टीचिंग एंड लर्निंग क्या मेथड यूज करेंगे फिर प्रोग्राम बिल्डिंग असेसमेंट फिर उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन के भाई अब ये असेसमेंट हुआ इसके बेसिस पे ये चेंजेस लाएं और उसके बाद वापस यू इंप्लीमेंट करें उसके बाद उस चेंज को मॉनिटर करें उसको इवेल्युएट करें जरूरत है तो वापस सिचुएशन एनालिसिस करें एनालिसिस के बाद मॉनिटरिंग की जरूरत है पहले मॉनिटरिंग कर लें तो इट कैन गो ईदर वे आप देखें हर जगह आपको दो तरफ से एरोज नजर आ रहे हैं ठीक है इट्स वेरी डायनामिक इन उल्टा भी चल सकते हैं आप सीधा भी चल सकते हैं आप कहीं से भी बिगिन कर सकते so, which, uh, क्या है? An in, uh, तो सारे आप इस पर देखते हैं कि किस सि करें और फिर एलिमेंट्स की इंटरक्शन कैसे हो रही है ऑब्जेक्टिव uh, मतलब के बेसिस पे क्या हमारे कंटेंट है या कंटेंट पे इसके साथ मेथड सूटेबल है या जो इवैल्यूएशन हो रहा है वो ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन है या कंटेंट के साथ अलाइन है या नहीं तो ये सब चीजें सिचुएशन एनालिसिस में आती है एक्सटर्नल uh, फैक्टर्स को हम देखते हैं टू बी कंसीडर्ड ब्रॉड सोशल चेंज इंक्लूडिंग आइडियोलॉजिकल शिफ्ट्स पैरेंटल कम्युनिटी एक्सपेक्टेशन द चेंज ऑफ नेचर ऑफ सब्जेक्ट डिसिप्लिन पोटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर सपोर्ट सिस्टम तो हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी स्टडी करते हैं कैसे टीचर का बिहेवियर बच्चों की लर्निंग पे इम्पैक्ट कर रहेपेक्टेशन पे इम्पैक्ट आ रहा है कैसे जो चेंज सब्जेक्ट के डिसिप्लिन में आ रहा है जो साइंस की नॉलेज जैसे चेंज हो रही है या कोई नॉलेज अब्सुलीट हो रही है कोई चीज नहीं आ रही है तो वो सबका इम्पैक्ट कैसे आ सकता है करिकुलम पे वो सब आप स्टडी

सिचुएशनल एनालिसिस के थ्रू स्टडी कर सकते हैं ठीक है मटेरियल्स मटीरियलो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रिसोर्सिस हर चीज को आपको सिर्फ लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है तो भी आप उसको सिचुएशन एनालिसिस के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि या ये प्रॉब्लम है भी या ही नहीं है ठीक है उसके बाद गोल्स फॉर्मुलेशन करेंगे स्टेटमेंट ऑफ गोल्स बनाएंगे हम सच गोल्स आर ड्राइव फ्रॉम द सिचुएशन एनालिसिस ओनली इन द सेंस दैट दे रिप्रेजेंट डिसीजंस टू मॉडिफाई द सिचुएशन और वो गोल्स सिर्फ मॉडिफिकेशन के लिए होंगे क्योंकि आपके करिकुल के ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव्स तो बने हुए हैं तो आपको क्या वापस बार बार सारे बनाने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ जहां चेंज लाना है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है और वहा के लिए आप ऑब्जेक्टिव बनाए और फिर चेंज लेकर आए अच्छा जी प्रोग्राम बिल्डिंग में क्या है कि दिस सिलेक्शन ऑफ़ सब्जेक्ट मैटर फॉर लर्निंग एंड द सीक्वेंस ऑफ टीचिंग लर्निंग एपिसोड्स, द डिप्लॉयमेंट ऑफ स्टाफ एंड द चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट सप्लीमेंट्री मटेरियल एंड मीडिया

उसमें चेंजेस लेकर आऊं उनकी क्लासेस को ऑब्जर्व करूं कि कहाँ प्रॉब्लम है क्या टीचर में तो प्रॉब्लम नहीं है कहीं स्टाफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है या जो मटीरियल हम प्रोवाइड करें उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो ये सब चीजों को हम देखें और उसके बाद जो है हम चेंज के डिसीशन पे काम करें ठीक है ठीक है उसके बाद एक्सक्यूज मी टीचर जी जी टीचर मुझे एक सवाल पूछना है जी वो मुझे ये पूछना है कि अभी जो आप मॉडल्स हमें पढ़ा रही हैं अगर करिकुलम डेवलपमेंट या जो जो करिकुलम डिजाइन कर रहे उन्हें करिकुल मॉडल की नो हाउ नहीं है तो क्या ये उनके लिए पॉसिबल है कि वो एफिशिएंट जो है वो करिकुलम डिजाइन कर सकते हैं बिकॉज अगर मैं अपने आप को कंसिडर करूँ तो जब तक मैंने करिकुलम डेवलपमेंट का कोर्स नहीं पढ़ा था मुझे इन मॉडल्स की बिल्कुल भी नो हाउ नहीं थी ठीक है तो अगर इस वक्त अगर हम अपने पाकिस्तान की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है अगर उनमें देखें जो करिकुलम डेवलपमेंट की पोजीशंस पे बैठे हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास इस टाइप की कोई मॉडल्स की नोहा हो या हो सकता है हो भी लेकिन या ना हो इसी वजह से वो लोग लो इतना अच्छा डिजाइन नहीं कर पा रहे हैं देखिये मैंने जैसे पहले भी कहा कि डॉक्यूमेंटेशन में हमारा करिकुलम बहुत अच्छा है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने जो मॉडल अडॉप्ट किया है ना वो बहुत ही लीनियर इन इट्स अप्रोच है थोड़ा सा हम एक बार डायग्नोसिस ऑफ नीड तो कर लेते हैं लेकिन हम क्या करते हैं कि हम दूसरे फैक्टर्स पे नजर नहीं रखते कि हम हम समझते हैं कि अगर हम जैसे एस एन सी की क्या जरूरत थी करिकुलम तो बहुत अच्छा था आप वही सब जगह इम्प्लीमेंट करवा लेते आप कहते कि आप पूरे पाकिस्तान में यही करिकुलम इम्प्लीमेंट होता तो क्या जरूरत थी कि हमने एसएनसी बनाया तो कुछ नीड्स को आइडेंटिफाई किया गया कि भाई जो टीचर्स है वो ट्रेन नहीं होते प्राइवेट स्कूल्स में पब्लिक स्कूल में जो ट्रेन है वो इतने अच्छे ट्रेन नहीं है तो इसलिए भाई जरूरत है कि सिर्फ हम जो है हम ऐसा मॉडल ना बना यूज करें जिसमें ऑब्जेक्टिव्स दिए गए बल्कि हम लर्निंग uh, एक्सपीरियंसेस को भी काउंट करें उनको भी लेकर आए हमारे करिकुलम में ये भी हो कि क्या एक्सपीरियंसेस देने चाहिए तो इस पे एक डायग्नोसिस ऑफ नीड तो हुई लेकिन उसके बाद जो फर्दर काम होना चाहिए ना वो नहीं होता कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसको आइडेंटिफाई किया जाए उसको स्टडी किया जाए कि अब क्यों गैप्स आ रहे हैं तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग तो है उनको कि कैसे करिकुलम बनाना है ये क्या क्योंकि देखिये वो सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं से पढ़ लिख कर आए हुए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई जो है ना जाहिल लोग बैठ के पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में पॉलिसी मेकर्स आर ऑल एजुकेटेड और आप पॉलिसी से ही आपको पता चल जाता है कि अच्छी पॉलिसियां बनी हुई है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रॉब्लम है ना वो एक अलग ही प्रॉब्लम है करिकुलम बनाना Obviously, उनको नॉलेज है करिकुलम डेवलपमेंट तभी वो करिकुलम बना रहे हैं और देखे करिकुलम बनाना किसी एक बंदे का काम नहीं है इट इज अ टीम उसमें टीचर्स भी पेरेंट्स सबकी कंसिलेशन होना बहुत जरूरी है लेकिन प्रॉब्लम वही बात में यही आती है कि जो फिर आखिर में उसको फाइनलाइजेशन डिसीजन जो ऑब्वियसली एक्सपर्ट होते हैं वही देते हैं करिकुलम बन तो जाता है बहुत अच्छे से सब अंडरस्टैंडिंग सब कुछ है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में भी कुछ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है वो भी तो मिसिंग है ना आप ये भी तो देखें टीचर्स की कहाँ ट्रेनिंग हो रही है टीचर्स को क्या पता है कि करिकुलम uh, मतलब कैसे इम्प्लीमेंट करना है क्या आपको लगता है कि ये करिकुलम मॉडल्स आपको सिर्फ आपको करिकुलम बनाने में मदद करेंगे नहीं ये आपको आपका कोर्स डिजाइन करने में भी मदद करेंगे ये आपको आपका यूनिट प्लान करने में भी मदद करेंगे इनफैक्ट ये आपके लेसन प्लान को भी गाइड करता है तो इनकी अंडरस्टैंडिंग टीचर्स में कहा है डू अंडरस्टैंड तो इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिट uh, और पॉलिसी मेकिंग को अगर हम मिलाएंगे ना तो हम हमेशा हमें गैप ही नजर आएंगे पॉलिसी मेकिंग इज इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंप्लीमेंटेशन बिकॉज क्या हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ही है कि इम्प्लीमेंटेशन गैप्स है जी. Is your question answered? Yes, Miss, okay. और दूसरी बात यह कि देखें आपका सवाल भी अपनी जगह ठीक है क्या उनको आइडिया है तभी तो इतने प्रॉब्लम है आज एस एन सी में इतने इतने नुकते निकाले जा रहे हैं कि ये मसला है ये मसला है ये मसला है अगर आप एस एन सी को देखें तो सोशल स्टडीज जैसा जो करिकुलम है उसमें आपको कनेक्शन बिल्ड होते हुए नजर नहीं आते उन्होंने हर चीज को जो है वो सोशल स्टडीज वो कहते रहे लेकिन कहाँ है वो सोशल स्टडीज उसमें हिस्ट्री जोग्राफी के पोर्शन बने हुए तो ऑब्वियसली इट हैज अगर वो सोशल स्टडीज है तो वो फिर इंटीग्रेटेड होना चाहिए तो ये प्रॉब्लम है कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है तो उनको ऑब्वियसली नहीं आइडिया है फिर ये कैसे करिकुलम बनने चाहिए या फिर वो सैंपल करिकुलम्स देखते हैं कि दुनिया में कैसे करिकुलम्स बनाए गए तो उन्होंने वो भी नहीं देखे ठीक है फिर उसके बाद जब आप कोई भी स्टेज पे जाते हैं इंटरप्रिटे आपने जब इम्प्लीमेंटेशन कर ली उसके बाद आप इंटरप्रिटेशन करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो कि आप जो देखते हैं कि भाई अब ये इम्प्लीमेंट हो रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं एंटिसिपेशन से जो हमने एंटिसिपेट किया था कि भाई करिकुलम यू 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 यू, यू, यू अप्लाई हो जाएगा लेकिन ये इस तरह तो अप्लाई हो ही नहीं रहा सारे बाय डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन गैप्स जो है ना वो आ रहे हैं तो ये अब प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ ये शायद मॉडल ही यूज नहीं हो रहा कि हम इम्प्लीमेंटेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को वापस पॉलिसी करिकुलम डेवलपमेंट में यह जो हमारा एम्स uh, ऑब्जेक्टिव uh, को रिवाइज करने का प्रोसेस है उसमें इसकी कंसिडरेशन को लेकर आए टू अंडरस्टैंड दैट सो एनालिसिस हुई ही नहीं बस हमने तो ये कहा कि भाई सब अशराफिया को खत्म करें इसके लिए सिंगल नेशनल करिकुलम की जरूरत है लेकिन उसके लिए जो बेसिक प्रॉब्लम है उनकी सिचुएशन एनालिसिस क्या हुई सही से फिर उसके बाद करिकुलम बनाया गया तो ये सारे सवाल अभी बाकी है जो हमें करने हैं हमारे हुक्मरानों से लेकिन कहाँ किससे पूछे जाके ये समझ में नहीं आता चले जी उसके बाद मॉनिटरिंग हो जब करिकलम इम्प्लीमेंटेशन हो जाए उसके बाद आप मॉनिटरिंग करें कि भाई क्या आपका जो करिकुलम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो उसके ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं किस तरह हो रहे हैं क्लासेस में क्या ऑन गोइंग उसके लिए फिर जो एक्सपीरियंसेस हम बच्चों को दे रहे हैं क्या वो इन अलाइंड है करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स से ऐसा तो नहीं है कि ऑब्जेक्टिव कुछ है एम कुछ कुछ है और हम क्लास में कुछ और ही कर रहे हैं कुछ और ही तरीके से पढ़ा रहे हैं जैसे करिकुलम में तो इसकी प्रोविजन ही नहीं है करिकुलम डिजाइन है एक्टिविटी बेस्ड और टीचर पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट सेंटर्ड तरीके से तो ये सारे चीजों को देख के फिर उसके बाद उस उसका असेसमेंट हो मॉनिटरिंग के बाद असेसमेंट मतलब आप उसके उसको असेस करें कि भाई क्या उसमें प्रॉब्लम है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके फीडबैक दिया जाए और उसके बेसिस पे रिकंस्ट्रक्शन हो की तो ये प्रोसेस अगर नहीं फॉलो होता तो ऑब्वियसली फिर इस तरह के गैप्स आते हैं स्ट्रेंथ क्या है इस मॉडल की

काम कर ले तो ये कुछ भी या प्रॉब्लम इन द सेंस कि आपके पास अगर डिफाइंड ऑब्जेक्टिव नहीं है कभी कभी तो फिर आप जो है वो भटक जाते हैं द मॉडल ऑफर्स सो लिटिल डायरेक्शन बहुत ज्यादा डायरेक्शन नहीं दी गई कि कैसे ये प्रोसेस करना है कैसे आपको आप अगर किसी भी पॉइंट से शुरू करते हैं तो कहाँ कैसे उसको लीड किया जाए कैसे फिर उसको असेस किया जाए कैसे उसको मॉनिटर किया जाए उसके ऊपर कोई ज्यादा गाइडलाइंस नहीं दी गई वो कह रहे हैं कि बस आप आपस में सारे एलिमेंट्स को लेकिन कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं आप हर एलिमेंट को सिचुएशन एनालिसिस से शुरू करें जहां भी आप यू नो प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज मिसिंग द करिकुलम डेवलपर्स नीड अ लॉट ऑफ टाइम

or summary in summary uh, silbach in 1976 stated that a situation analysis uh, analysis of need is vital for effective curriculum change he he also said that education should be meaningful learning experience teachers are very important curriculum change can occur at any point in the process and can proceed in any direction तो कहने के करिकुलम चेंज के लिए कोई जरूरी नहीं है कि पूरा एनी डायरेक्शन आप कुछ भी पहले कर सकते हो चेंज ठीक है, क्या है? क्या से या आपकी जो सिचुएशन की एनालिसिस है वो आपकी सोर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव है तो वो बहुत क्लियर होना चाहिए उनको कि भाई ये सिचुएशन थी ये प्रॉब्लम्स थे और उसके बेसिस पे ये ऑब्जेक्टिव बनाया गया ठीक है फर्दर क्वेश्चन किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है नो मैं सिंपल परफेक्टली क्लियर क्लियर अगर uh, फिर भी कोई सवाल हो तो यू कैन आस्क मी लेटर ऑल्सो बट आई थिंक दीज आर वेरी सिम्पल मॉडल इम्पॉर्टेंट आपके जो है ना है वो हिरदा ताबा और टाइलर का ही मॉडल है और सबसे जो आई थिंक मेनली जो यूज होने वाला मॉडल है ना वो हिरदा ताबा का बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव मॉडल्स सोफार लेकिन अभी भी बात यही है कि आपको एक मॉडल फॉलो करके पूरा करिकुलम नहीं बना सकते यू हैव टू गो बैक एंड आपको लाइक यू नो इज़ अ प्रोविजन के आप दो या तीन मॉडल्स को मिलाकर जो है वो अपना कुछ नया मॉडल uh, बना ले, लेकिन इट्स नॉट वेरी लाइक यू नो वेरी एविडेंट कि इस तरह से जो है वो चीजें होती हो uh, हमारे कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली कि हम जो है वो बहुत ज्यादा डायग्नोसिस ऑफ नीट पे काम करके फिर करिकुलना है हमारे लिए लिए जाते तो हैं जो आई थिंक हमारी गवर्नमेंट को करने की जरूरत है सो विद एंड क्लास हिअर उसके बाद जो है एक आपकी क्लास मुझे और अरेन्ज करनी है जिसमे हम करिकुल प्लानिंग वाला मॉड्यूल हमें करना है then we can coordinate mm -hmm. over the week and then we can have that class ticket. Okay Miss. Any other question anybody wants to ask or shall we end?. G okay. clear. Okay fine. thank you to everybody so.